हेलो फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सुहाना सफ़र। और आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मटर मलाई। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए मेथी, जिसे हमने बारीक धोकर काट लिया है, दो बड़े प्याज, अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्ची, मटर बॉईल कर लिया है हमने, देखिए आसानी से पिचक जाए, इस तरह से हमें इसे ब्लांच कर लेना है। मलाई आप मलाई चाहे तो बाहर की मलाई भी ले सकते हैं, आप तो दूध पर से उतार कर मलाई ले सकते हैं। मसालों में हमें चाहिए जीरा, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी चीनी। मेथी की बिटरनेस को कम करने के लिए, कड़वापन को दूर करने के लिए हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमें प्याज के इस मिक्सचर को हमें पीस लेना है। देखिए हमने प्याज के मिक्सचर को अच्छे से पीस लिया है, हमारा तेल गर्म हो चुका है। तेल में हमें जीरा ऐड करना है, प्याज को अच्छे से डालिए भूनिए, जब तक ये लाल नहीं हो जाती तब तक हमें इसे भूनते रहना है। देखिए हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है, अब इसमें हम मेथी ऐड कर देते हैं। साथ में मटर, अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें हमारे मसाले, नमक, धनिया पाउडर, इसे अच्छे से मिलाकर ढककर थोड़ी देर के लिए पकाना है। देखिए हमारी मेथी और मटर अब अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी बॉईल होने तक वेट करना है, फिर लास्ट में हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। अरे देखिए पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हमें सिर्फ इसलिए डालनी है क्योंकि मेथी कड़वी होती है, तो उसकी कड़वाहट दूर करती है चीनी। अब सब्जी हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार है, अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। मलाई अच्छे से विस्क करी हुई होनी चाहिए, इसे हल्के हल्के मलाई ऐड करने के बाद हमें इसे ढककर और 2 मिनट तक पकाना है। देखिए इसमें उबाल आने लगा है, 2 मिनट भी हो चुके हैं, अब हमारी स्वादिष्ट मेथी मटर और मलाई की सब्जी बनकर तैयार है। देखिए हमारी स्वादिष्ट मेथी मटर और मलाई की सब्जी बनकर पूरी तरह से तैयार है। आप इसे चपाती के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है।